रीवा जिले के रामपुर बाघेलान जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सगौनी पतेरी में वार्ड क्रमांक 13 में बारिश के जल निकासी को लेकर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के द्वारा अपने कार्यकाल में सड़क का निर्माण तो करा दिया गया था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं कराया गया। इतना ही नहीं बल्कि पूर्व सरपंच छोटेलाल सिंह एवं उनके भाई शिक्षक नारायण सिंह के द्वारा कार्यकाल समाप्त होने के बाद नाली की जगह सड़क में ही मिट्टी डालकर कटीली तार लगाकर रास्ते को भी अवरुद्ध किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों को आने जाने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। साथ ही सड़क पर मिट्टी व पानी भरे रहने से आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक कोई भी आला अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पाया। ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच छोटेलाल सिंह ने 10 वर्ष पूर्व अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत को विकास की गति देने के लिए एवं ग्रामीण जनों की समस्याओं को देखते हुए आने जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया था, और उसके बाद जब कार्यकाल समाप्त हो गया, वहीं ग्रामीण जनों के बोलने पर ग्रामीण जनों को धमकी दे रहे हैं कि हमारे शासनकाल में जिस सड़क का निर्माण कराया गया है, वहीं ग्रामीण जनों ने बताया कि जब तक छोटेलाल सिंह ग्राम पंचायत के सरपंच थे, तब तक गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए, जो हुए भी तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। पतेरी गांव के जी जी। ये दरवाजे पे आकर के मिट्टी डलवा दिए हैं, रोड पे मिट्टी डलवा दिए हैं, दरवाजे पे तार रून दिए हैं, आने जाने में लोगों को समस्या हो रही, पूरा गांव रोड में कीचड़ हो गया है। पटवारी से बोला गया, तहसीलदार से बोला गया, और गांव में अपने पंचायत में सरपंच से बोला गया, सेक्रेटरी से बोला गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग इतना परेशान हैं गांव में, पानी बरसता है, यहाँ तो पूरे घर में पानी चला जाता है, आने जाने में इतना परेशानी हो रही है। यहाँ के सरपंच जो रास्ता भी बनवाए हैं, कहीं नाली नहीं बनी हुई है, रोड रहने चलने लायक नहीं है, कोई इतना बीमार हो जाए आदमी, आने जाने में इतना परेशानी होती है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सर, हमारा ये निवेदन है कि आप इसमें तत्काल ध्यान दीजिए, नहीं तो हम लोग ऊपर तक कार्रवाई करेंगे इसके लिए। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार ग्रामीण जनों के आरोप लगाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा पूर्व सरपंच छोटेलाल सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या एक ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच अनुविभागीय एवं राजस्व अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है, या फिर सब मिलकर एक साथ ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर ग्राम पंचायत की जनता को बलि का बकरा बना रहे हैं?